कैसे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसके पहले लेक्चर वीडियो में आपने देखा कि बायोडाइवर्सिटी कितने तरह का है, जेनेटिक लेवल, स्पीसी लेवल एंड इकोसिस्टम लेवल। इसके बाद हम लोगों ने देखा कितनी बायोडाइवर्सिटी इंडिया में है, कितनी वर्ल्ड में है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या पैटर्न ऑफ बायो डाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह एक तरह का नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। तो हमें देखें अगर पूरे ग्लोब लेवल पे, तो इफ वी सी ऑन द अर्थ प्लानेट द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। सपोज हियर इज अवर अर्थ प्लानेट एंड दिस इज द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ। ये इज 23.5 नॉर्थ एंड दिस इज 23.5 साउथ। द लैटिट्यूड बिटवीन द रेंज बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इज वेरी हाई। बट व्हेन वी विल मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल देन द डाइवर्सिटी विल डिक्रीज, बिकॉज हियर इज द क्लाइमेटिक कंडीशन इज अप्रोप्रिएट, एनुअल रेनफॉल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट इज अप्रोप्रिएट। बट व्हेन विल मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल देन द क्लाइमेटिक कंडीशन विल चेंज, फ्लक्चुएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन अकर्स, द मोर और मोर ग्लेशिएशन अकर्स। इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे हम यहाँ से मूव करेंगे पोल की तरफ जाएंगे, पॉपुलेशन कम होते जाएगा। इसका मतलब कि बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। जरा हम देखते हैं कि यह इक्वेटर है और इक्वेटर यहाँ कोलंबिया में द बर्ड की पॉपुलेशन देखें तो 1400 स्पीसीज। यहाँ पे बर्ड की कितनी स्पीसीज है? 1400 स्पीसीज है। लेकिन अगर इससे ऊपर 41 एंगल नॉर्थ में जाए तो यहाँ पर न्यूयॉर्क की में बर्ड की संख्या कम हो जाएगी, केवल कितनी 405 स्पीसीज यहाँ पे हैं। कोलंबिया में बर्ड की स्पीसीज, किसकी स्पीसीज? बर्ड की स्पीसीज। ये बर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग एरिया में अलग अलग है, अलग अलग तरह की बर्ड पाई जाती हैं। तो अगर हम देखें कोलंबिया में जो बर्ड की स्पीसीज है 1400, लेकिन न्यूयॉर्क में 41 एंगल पे जाएं तो 105 स्पीसीज, क्योंकि टेम्परेचर कम होने लगा। और हम अगर ग्रीनलैंड में जाएं 71 एंगल नॉर्थ माने ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड में बर्ड की पॉपुलेशन केवल कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। तो हमें देख रहे हैं कि द स्पीसीज रिचनेस इज डिक्रीजिंग। एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया कि इक्वेटर पे कोलंबिया में कितना बर्ड पॉपुलेशन है? 1400, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अप्रोप्रिएट है। लेकिन जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, यह पोल है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो पोल की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही हम न्यूयॉर्क में जाएंगे बर्ड की स्पीसीज 105 हो गई। अब हम पहुँचेंगे ग्रीनलैंड में तो वहाँ बर्ड की स्पीसीज केवल 56 रह गई। इसका मतलब कि इक्वेटर टू पोल हम जब मूव करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी ग्रेजुअली कम होते जाएगा ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। पोल पे क्या होता है? ग्लेशिएशन है, बर्फ़ पड़ा रहता है, वेजिटेशन उतना ज़्यादा नहीं है, बायोडाइवर्सिटी कम होगी। तो इस तरह से द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन द अर्थ प्लानेट। हर जगह पर एक तरह का नहीं है, अलग अलग जगहों पर बायोडाइवर्सिटी अलग अलग है। डिजर्ट में कहीं अलग है,
अमेजनियन रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा है, जहाँ एप्रोप्रिएट बरसात है टेम्परेट फॉरेस्ट में बहुत कम है, उसकी अपेक्षा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेट की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। तो कि सारा डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट के ऊपर, और इसके अलावा डिपेंड करता है कि एनुअल रेनफॉल कितना है, सॉइल में फर्टिलिटी कितनी है, ये सारे के ऊपर वेजिटेशन निर्भर करेगा, क्योंकि वेजिटेशन रहेगा तभी एनिमल रहेंगे। तो ये तो रहा कि पोलर रीजन में कितना है, और इसके बाद अगर हम देखें कि इंडिया में, इंडिया नियर द इक्वेटर, यहाँ पे बर्ड की स्पीसीज कितना है, 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड, इंडिया में बर्ड की स्पीसीज कितना है, 1200 है। तो लगभग ये जो है यहाँ भी एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, तो 1200 बर्ड की स्पीसीज हैं। बट इक्वेटर से पोल जैसे बढ़ेंगे आप, इक्वेटर से पोल की तरफ, तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा, टेम्परेचर लो होगा, और निश्चित रूप से स्पीसीज कम हो रही है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव 10 टाइम्स मोर बायोडाइवर्सिटी, ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन द temperate forest than the temperate forest। temperate forest की अपेक्षा यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी है। ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट includes about 40,000 species of plant, 40,000 species of plants, plants की 40,000 species है यहाँ पर। ऐसे ही 3,000 species of fishes, 3,000 स्पीसीज फिशेस की हैं, 1,300 स्पीसीज ऑफ बर्ड। तो ये तमाम सारी स्पीसीज यहाँ पे हैं, इसके अलावा बर्ड के अलावा यहाँ पे 427 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 427 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस। ये तमाम सारी स्पीसीज अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में हैं, रिच वेजिटेशन है, रिच बायोडाइवर्सिटी है वहाँ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी देन temperate forest। Why? क्यों? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है टेम्परेट की अपेक्षा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फॉरेस्ट remain unchanged
फॉर लॉन्ग इवोल्यूशनरी पीरियड, लॉन्ग इवोल्यूशनरी पीरियड, लंबे समय तक यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सो इट प्रोवाइड मोर टाइम फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, रिमेन अनचेंज फॉर लॉन्ग इवोल्यूशनरी पीरियड व्हिच प्रोवाइड व्हिच लीड्स मोर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारी स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए अवसर मिला, डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी अप्रोप्रिएट, अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी, रेनफॉल एंड टेम्परेचर इज एप्रोप्रिएट व्हिच हेल्प्स इन व्हिच प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीसीज रिचनेस, बहुत सारी स्पीसीज के बढ़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एनुअल रेनफॉल प्रॉपर, सोलर लाइट अवेलेबिलिटी प्रॉपर, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर, तो फिर टेम्परेचर प्रॉपर, तो फिर ग्रीन वेजिटेशन खूब हुआ, बायोमास प्रोडक्शन खूब हुआ, और जब बायोमास प्रोडक्शन होगा तो एनिमल की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, उनको भोजन मिलेगा, दे विल फीड एंड रिप्रोड्यूस, तो इस तरह से वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द नेचर कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस। टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पे फ्रिक्वेंट फ्लैक्चुएशन, फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन, फ्रिक्वेंट फ्लैक्चुएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन, तो टेम्परेट फॉरेस्ट हैव फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन, बर्फ पड़ने लगी, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन होगा, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेज आएंगे, तो फिर क्या होगा, इट विल नॉट सपोर्ट मोर फॉर बायोडाइवर्सिटी, फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट लेस है, तो देयरफॉर इट हैव लेस बायोडाइवर्सिटी। तो यही कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अपेक्षा टेम्परेट फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। अब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर अप्रोप्रिएट हो, रेनफॉल अप्रोप्रिएट हो, सोलर लाइट अवेलेबिलिटी अप्रोप्रिएट हो, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त हो, तो वहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन खूब होगा, प्लांट वनस्पतियाँ खूब होंगे, और जब बायोमास होगा तो फिर उसमें रहने वाले एनिमल भी खूब भोजन पाएंगे, वो प्रोपेगेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। इस तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फेवर द मोर एंड मोर रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ प्लानेट। थैंक यू वेरी मच। अगला लेक्चर वीडियो हम फिर भेजेंगे, छोटे छोटे इसलिए बनाते हैं कि बच्चों को समय मिले पढ़ने का, एकदम बिल्कुल बड़ा बन जाएगा तो फिर उतना समय दे नहीं पाते हैं, स्केप कर जाते हैं, और इसको आप देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, आपको लेक्चर वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।